पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने शनिवार रात जामोल स्थित देशी शराब भट्टी में दबिश दी। एसपी की दबिश के बाद भट्टी परिसर में हड़कंप मच गया। परिसर में अवैध रूप से संचालित जखना सेंटर में पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने यहां रखे सामानों को जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने समूचे शराब भट्टी परिसर का निरीक्षण किया। शराब पी रहे लोगों को समझाइश भी दी। वह शराब का सेवन कर रहे लोगों ने पुलिस अधीक्षक को चखना सेंटर की मनमानी की शिकायत भी की। पुलिस अधीक्षक ने सभी चखना सेंटरों को बंद करवाया। चखना सेंटर में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी से शराब पी रहे लोग भागते भी नजर आए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों को अवैध रूप से शराब का सेवन नहीं करने की समझाइश भी दी, साथ ही शराब पीकर वहां न चलाने की भी बात कही। कार्रवाई के दौरान जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। चखना सेंटरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में अवैध रूप से संचालित चखना सेंटरों को सख्ती से बंद करवाया जा रहा है। इसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। अवैध चखना सेंटरों में निरंतर जारी कार्रवाई को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज से हुई चर्चा में पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। आज हमारे साथ मौजूद है जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव। पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस द्वारा शहर के अवैध चखना सेंटरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, सामानों को जब्त किया जा रहा है, साथ ही अवैध रूप से दारू भी पीने वालों को समझाइश दी जा रही है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये, लगातार सर कार्रवाई की जा रही है सर, इसके बावजूद भी देखा जाए अगर कई शराब दुकान अभी भी लगातार कार्रवाई होगी, सभी जितने अवैध काम कर रहे हैं चखना सेंटर वाले, उनसे मेरा अपील है कि वो तुरंत बंद करें। नहीं तो आप देख सकते हैं इतनी गंदगी फैलाई हुई है इन्होंने। सभी लोग बाइक से ड्राइव कर रहे हैं, ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं, इनकी जाने जा रही हैं, दूसरे लोगों को ये नुकसान कर रहे हैं, इनको स्वास्थ्य कारणों से नुकसान हो रहा है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जानबूझ के दुकान के सामने चखना सेंटर बनाया गया है जिससे वो आदमी एक बार पिए फिर उसको और हुलो फिर और ले खरीदे और पिए। इससे जो व्यक्ति एक क्वार्टर पी के अब तक काम चला सकता है उसको एक बोतल पीना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जो स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है, और ये अवैधानिक चखना सेंटर पे पुलिस जो है पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करे। सर, तो अभी जैसे कि सुकेला में कार्रवाई हुई, वहाँ सर बंद हो चुका है, लेकिन सर देखा जा रहा है कि दुकानों के आसपास सर जो छोटी छोटी किराना दुकानें हैं उनके द्वारा डिस्पोजल और अन्य मतलब सामान, देखिए डिस्पोजल को बेचना जो है अवैध नहीं है। ये गलत जगह एक साथ बैठ के सार्वजनिक जगह पर पीना वो अवैध है। जो भी अवैध काम करेगा, जो दुकान वाले भी अवैध काम संरक्षण देंगे, उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले हमारी कोशिश है कि जो संगठित ढंग से अवैध चखना सेंटर चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। सर, जो आदतन शराब से क्या संदेश दे? मैं अपील करना चाहता हूँ जो वो शराब की अपने सेवन को थोड़ा कम करें, और उनको जो पीना भी है तो यहाँ पर लेके जाएं, अपने घर जाके बैठें और वहाँ पर पिए, जिससे कि वो कम से कम पी के गाड़ी ना चलाएं, जिससे अपनी जान दूसरी जान को खतरा में ना डालें। सर, अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था सर, रात्रि गश्त सर लगातार जारी थी, आप स्वयं निरीक्षण पे मौके पे मौजूद रहते थे, उसका काफ़ी प्रभाव भी सर देखने को मिला, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में दहशत हुई, आपराधिक घटनाओं में कमी आई, लेकिन सर अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सर ये अभियान बंद हो गया। नहीं, अभियान बंद नहीं हुआ है, वो लोगों की जो डिमांड थी कि अभी कुछ दिन पहले ही मेजर सुपेला में किया गया, उसके बाद दुर्ग में गाँव में किया गया, वो लगातार अभियान चल रहा है। उसी में लोगों द्वारा बताया गया कि अवैध शराब से महिलाएं बहुत परेशान थी, नशा और शराब जो है लोगों की मुख्य तकलीफ थी, उसी के फीडबैक के आधार पे ये जो कार्रवाई अभियान क्षेत्र में के रूप में चलाई जा रही है। ये थे हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जिनके जो स्वयं मौके पर संगठित रह करके अवैध रूप से जो शराब दुकानों में चखना सेंटर संचालित किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व जिला चौक की देशी शराब दुकान में जयनगर सी एस पी द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसे बंद करा दिया गया। उसके उपरांत कल पुलगांव नाके में गाँव में कार्रवाई की गई, उसमें कुछ अवैध रूप से संचालित हाथों को बंद करा दिया गया। और आज एसीसी चौक की भुक्तापुर के पास स्थित देशी भट्टी में भी पुलिस द्वारा जामुन थाने के नेतृत्व में तबीज दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर रहे, इस अवैध रूप से संचालित चखना सेंटर को यहाँ से हटाया गया, साथ ही शराब पी रहे अन्य लोगों को समझाइश दी गई कि शराब पीकर वाहनों का संचालन न करें।